हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सोना किचन में। आज हम लौकी के कोफ्ते एकदम कम तेल में और एकदम आसान तरीके से बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने लौकी को धो करके छील लिया है। मैंने आधी लौकी ली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और मैंने इसे बीज से काट लिया है और फिर इसके भी बीज से काट लेंगे। और फिर हम लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। सारी लौकी को मैंने इसी तरीके से काट लिया है। लौकी को काट लेने के बाद मैंने लिए हैं दो छोटे साइज के प्याज और इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और दो तीन हरी मिर्च ली है, उसे भी मोटा मोटा काट लिया है। और लहसुन को भी इसी तरीके से काट लेंगे मोटा मोटा। अब मैंने मिक्सर जा लिया है और उसमें लौकी डाल दी है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है और प्याज और लहसुन, ये सारी चीज़ें डालकर हमें इसे पीस करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने लौकी के पेस्ट को एक कटोरे में निकाल लिया है और उसमें डाला है मैंने चार चम्मच बेसन। उसके बाद मैंने इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल लेने के बाद मैंने इसमें धनिया जीरा पाउडर डाला है आधी चम्मच। आधी चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को अब हम एकदम अच्छे से चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। अगर इसे पीसते वक्त लौकी या प्याज का मोटा टुकड़ा रह गया है तो उसे अच्छे से छान लेंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। पीसते वक्त ध्यान रखें कि लौकी को एकदम बारीक ही पीसे। अब हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से घोल लिया है, तो हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। थाली में मैंने पहले ही चारों तरफ तेल लगा लिया है ताकि ये थाली में चिपके नहीं। अब बिल्कुल अच्छे से हिलाते हुए इसको सेट कर देना है। उसके बाद मैंने मिक्सर जार में दो मीडियम साइज के प्याज कटा हुआ और एक टमाटर डाल करके इसे पीस लेंगे। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और उसमें डाल देंगे जीरा। जीरा जब चटकने लगे तब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाला है। लहसुन मैंने काटा नहीं, ऐसे ही डाल दिया है। और इसे चलाते हुए एक मिनट तक भून लिया है। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तब हम इसमें जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसमें नमक डाला है। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मसालों को हम हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे। एक से दो मिनट मसाले भूनने के बाद हमने इसमें सूखा मसाला डाला है, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। मसाले डालने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पे चलाते हुए दो से तीन मिनट तक भून लिया है। उसके बाद हमने इसमें पानी डाला है। पानी डाल लेने के बाद हमने एक छोटे कटोरे में एकदम भर के पानी लिया है और उसे ग्रेवी के बीच में रख देंगे। और उसके ऊपर जो हमने लौकी का बैटर सेट करके रखा था वो रख देंगे और इसके बराबर वाले ढक्कन से ढक करके 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। जब 7 से 8 मिनट हो जाए तब हम थाली को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद पानी को भी हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। और पानी निकाल लेने के बाद
हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। मसाले मिक्स कर लेने के बाद हमें जितना ग्रेवी रखना है, जो हमने पानी निकाला था वही पानी डाल देंगे। पानी डाल लेने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद ग्रेवी में उबाल आने तक पकाएंगे। और जब लौकी का मिक्सर ठंडा हो जाएगा तब हम इसे हाथों से मिलाते हुए चिकना कर लेंगे। एकदम अच्छे से मिला करके चिकना कर लेना है। जब ये अच्छे से पक जाता है तो आटे की डोक की तरह हो जाता है। अब हम इसे छोटी छोटी लोई लेके दोनों हथेलियों के बीच में रख के गोल गोल घुमाते हुए चपटा कर लेंगे। इसी तरीके से हमने सारा बना लिया है। अगर ये गीला रह जाए तो आप तलके भी डाल सकते हैं। अब ग्रेवी में उबाल आ गया है तो एक एक करके सारे कोफ्ते हम ग्रेवी में डाल देंगे। कोफ्ते ग्रेवी में डालने के बाद मैंने इसे एक मिनट तक पकाया है। एक मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। इस तरीके से लौकी कोफ्ते बनाने से बहुत कम टाइम लगते हैं और तेल भी बहुत कम लगता है। तो आप एक बार इस तरीके से लौकी कोफ्ते ज़रूर बनाएं। और हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।